नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वार्ताएं। आज पीएम मोदी असम के दौरे पर हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि पीएम मोदी 2 दिनों के लिए असम के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां से वो सीधे मेघालय निकल गए। आपको बता दें कि एनपीपी के नेता कोनराड के संगमा ने आज सुबह दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा भी शपथ समारोह में शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मेघालय के अलावा त्रिपुरा और नागालैंड में भी शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। साथ ही असम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बंद कमरे में एक बैठक भी करेंगे। शिलांग में शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी कोहिमा रवाना हो जाएंगे। वह नागालैंड की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद रहेंगे। उसके बाद नागालैंड सरकार की शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। नागालैंड में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन ने 60 में से 37 सीटें जीती हैं। प्रधानमंत्री कल ही शाम 5 बजे गुवाहाटी लौटेंगे और वह 7:15 बजे यहां राज्य अतिथि गृह में असम मंत्रिमंडल के साथ बैठक करेंगे। बुधवार को त्रिपुरा में होंगे पीएम मोदी। बुधवार को वह मानिक साहा सरकार के शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए पूर्वाहन 9:40 पर त्रिपुरा जाएंगे और वहीं से दिल्ली लौट जाएंगे। त्रिपुरा में साहा को भाजपा विधायक दल का नेता घोषित किया गया है। असम के मंत्री ने मंगलवार को मोदी के साथ मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा तो नहीं बताया, लेकिन उम्मीद है कि सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।